सिपाहियों के हवाले कर दिया। किसने चोर घर पर रोक को के सिपाहियों सभी के लोग चोर हवाले कर को दिया? सिपाहियों के के लोगों ने हवाले चोर कर दिया। को सिपाहियों के हवाले कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है अंशुमन 2130। अंशुमन, यस बच्चे, आप बताइए गोवर्धन दास को किसने और कैसे बचाया? अपने अनुभव और समझदारी से गोवर्धन दास अनुभव और समझदारी से गोवर्धन दास को बचाया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट अनन्या 2294। अनन्या, नो, कृति 2257। कृति, यस कृति, नो, रिद्धिमा 2734। रिद्धिमा यस 2734। रिद्धिमा, मैम, यस बच्ची, आप बताएंगे राजा ने चोर को रिहा करके किससे डर? किया मैम, मेरे को शो नहीं हो रहा था। आपको मैम, ये 7 क्वेश्चन के 9 पेज तक जो आपने कल नोटिस बोर्ड पे सेंड कर दिया था। नोटिस बोर्ड में आपको मैंने कल जो होमवर्क सेंड किया था वो आपको शो नहीं हो रहा था? यस बच्चे, मैंने आपको नए शब्द दिए थे लेसन, इसी लेसन के पार्ट आपके मैंने आपको नए शब्द दिए थे कर। मैम, वो तो शो हो रहे थे, लेकिन ये जो ये आप अंधेरे नगरी का करवा रहे हो, जो आपने ये नोटिस बोर्ड पे सेंड किया था। नो बच्ची, ये तो आज ही करवा रही हूँ मैंने आपको, पहले ये आपके यूटी जब स्टार्ट हुए थे उससे पहले आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, बट हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे इसलिए मैं आपको ये दोबारा से करवा रही हूँ कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, ठीक है, तो वो अभी कर लेंगे इनको। मैम, ओके, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें मैम ठीक है, किया अभी मैंने। सुनेंगे। ओके आयुष, नेक्स्ट स्टूडेंट मानवी भाटिया। मानवी भाटिया, यस मैम, यस मानवी, राजा ने चोर को रिहा करके किसे दंड दिया? ठेकेदार को। ठेकेदार को, ठीक है, राजा ने चोर को रिहा करके ठेकेदार को दंड दिया। अभी सभी को क्वेश्चन समझ आ गए किस तरह से लिखना है आपने? यस मैम, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अभी कर यस सकते हैं मैम, सभी बच्चे, 1 मिनट वेट करेंगे। अभी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम, नो ओके, मैम, मैम नहीं है।
नो मैम, मैम यही मैम बोल रहे टीवी हैं वाले, मैम टीवी। ओके बिजी वाले ने सभी को मुझे पता है। देख लीजिए आप इस तरह से इन क्वेश्चन आंसर को। अंधेर नगरी में गुरुजी ने कैसे राजा का शासन बताया? अंधेर नगरी में गुरुजी ने अंधों में काने राजा का शासन बताया। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वादिष्ट पकवान खाकर कौन तंदुरुस्त हो गया था? आंसर है आपका गोवर्धन दास। किसने चोर को सिपाहियों के हवाले किया? घर पड़ोस के सभी लोगों ने चोर को सिपाहियों के हवाले किया। घ है गोवर्धन दास को। किसने और कैसे बचाया? गुरुजी ने अपने अनुभव और समझदारी से गोवर्धन दास को बचाया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राजा ने चोर को रिहा करके किसे दंड दिया? ठेकेदार को। कर लिया यहाँ तक सभी ने? यस मैम, यस मैम। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखिए, पोषक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। पोषक मतलब होता है जो आपको ब्रैकेट में शब्द दिए ना, जो आपके वाक्य जहाँ पर खत्म होते हैं लास्ट में ब्रैकेट के अंदर जो शब्द दिए उनमें से जो सही शब्द होगा वो आपने इसमें। यहाँ सबको एक डैश में तोला जाता है, तराजू या फिर तरह, तन में आप बताएंगे? यहाँ सबको एक डैश में तोला जाता है, इसमें हम चीजें तोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तराजू। ओके, नेक्स्ट है आपका, गोवर्धन दास हर रोज सुबह सवेरे नगर में डैश मांगने के लिए जाते थे, क्षमा या फिर भिक्षा? आशीष चौधरी आप बताएंगे? भिक्षा। गोवर्धन दास हर रोज सुबह सवेरे नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है नव्या। मैम, नव्या 2155। यस मैम। कल्लू चोर डैश से चिल्लाने लगा, पीड़ा या फिर दया? मैम फिर से क्वेश्चन रिपीट करना। कल्लू चोर डैश से चिल्लाने लगा, पीड़ा या फिर दया? पीड़ा से चिल्लाने लगा था। क्यों चिल्लाने लगा था? क्योंकि उसके ऊपर जो थी दीवार गिर गई थी। ठीक है, सेठ धनीराम की जब वो घर में चोरी करने जाता है और वो दीवार में छेद करता है, ठीक है, जब उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, दीवार गिर जाती है। ठीक है, इस कारण उसे क्या थी, पीड़ा होगी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट हरप्रीत कौर। यस मैम। आप बताएंगे, डैश दरबारी राजा के फैसले की वाह वाह करने लगे, चापलूस या फिर कारतूस? मैम चापलूस। चापलूस, ठीक है, चापलूस दरबारी राजा के फैसले की वाह वाह करने लगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट तन्मय अरोड़ा। तन्मय अरोड़ा। यस मैम। यस बच्ची, क्या बोल रहे हो आप? यस मैम। यस बच्ची, आप बताएंगे, दोनों शिष्य बिना
मेरे गुरु जी के साथ डैश हो गए, छुमंतर या जुमंतर? मैम छुमंतर। छुमंतर का अर्थ क्या होता है? गर्ल अबाउट बच्चे, छुमंतर का क्या अर्थ होता है? गायब, गायब होना। दोनों शिष्य बिना देरी किए गुरु जी के साथ छुमंतर हो गए। ठीक है, यहाँ तक कर लिए सभी ने कंप्लीट? अगर वो भी काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यस मैम। अगर वो इतना काम कर सकता है तो भारतीय सोच, अगर वो ही। यस बच्चे कंप्लीट कर लिए यहाँ तक? यस मैम। ओके यस मैम। आपको प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखिए अपनी बुक में, पेज नंबर 7 है आपका। कर लिया ओपन सभी ने? यस मैम। यस। इसमें आपको है कि आपने इमेजिन करना है, कल्पना की उड़ान भरी और बताइए कि क्या होता। आपने सोचना है ठीक है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होता। ठीक है, सबसे पहले मैम मैंने सवाल किया प्राची, प्राची यस प्राची, नो शबनम, शबनम 2159। यस बच्चे आप बताएंगे, आपने सोचना है ठीक है। गोवर्धन दास मिठाइयों के लालच में अंधेर नगरी में नहीं रुकता तो क्या होता? अगर गोवर्धन दास अंधेरी नगरी में नहीं रुकता तो क्या होता? क्यों रुका था गोवर्धन दास वहां पे? पहले मुझे ये बताओ कि गोवर्धन दास जो है क्यों, वो सस्ते थे इसीलिए गोवर्धन दास ने लालच में आके वह अंधेरी नगरी में रुक गया। हाँ, क्योंकि वहां पर क्या था, सभी चीजें जो थी वो बहुत सस्ती थी। ठीक है, सभी चीजों का एक ही रेट था, सेम प्राइस था ना वहां पे, और उसे क्या होता है लालच आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो खाने का जो था बहुत शौकीन था, उसे जो है लालच आ जाता है कि आप स्क्रीन शेयर करोगे। बट आपको पता है अंधेर नगरी में रुक गया था ठीक है, और वो बिना किसी वजह से पकड़ा जाता है ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी राजा के सिपाही जो है उसे पकड़ कर ले जाते हैं, फांसी के फंदे तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, अगर अब आपने ये सोचना है कि अगर गोवर्धन दास जो है मिठाइयों के लालच में अंधेर नगरी में नहीं रुकता तो क्या होता? यस बच्चे क्या होता? अगर गोवर्धन दास ने, अगर गोवर्धन दास अंधेरी नगरी में नहीं रुकता तो उसे फांसी तक नहीं जाना पड़ता, फांसी के फंदे तक नहीं जाना पड़ता। वेरी गुड, कि अगर गोवर्धन दास मिठाइयों के लालच में अंधेर नगरी में नहीं रुकता, उसे राजा की सिपाही नहीं पकड़ते और उसे जो है फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचना पड़ता। मैम आप क्वेश्चन नंबर 6 की शेयर कर दो स्क्रीन। मैम आप क्वेश्चन नंबर 6 की स्क्रीन। यस बच्चे
अब नेक्स्ट स्टूडेंट बताएंगे मुझे बेटा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ऋषभ 2173। यस मैम। अगर दीवार ना गिरती तो क्या होता? अगर दीवार ना गिरती तो क्या होता? सोचिए और जल्दी से बताइए। यस ऋषभ, स्टोरी पढ़ी है ना आपने? यस या नो? अनम्यूट करो अपने आप को। स्टोरी पढ़ी है ना आपने? अगर दीवार नहीं गिरती तो क्या हो? जल्दी से। दीवार गिरी, चोर पकड़ा गया, चोर को दर्द हुआ, ठीक है। चोर की दर्द को देखकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई, फिर राजा ने क्या आदेश दिया कि उस ठेकेदार को बुलाकर लाओ जिसने वो दीवार जो है बनवाई है, ठीक है। ठेकेदार को बुलाया जाता है, ठेकेदार को फिर फांसी की सजा सुनाई जाती है, पढ़ा है ना अपने स्टोरी में। और जो फांसी का फंदा होता है वो ठेकेदार के गले में नहीं आता है, क्योंकि ठेकेदार जो था वो क्या था, दुबला पतला था, कमजोर था वो, ठीक है। फिर राजा क्या करता है, सिपाहियों का आदेश देता है कि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके गले में क्या है, ये फांसी का फंदा आ जाए। फिर सिपाही को क्या है, ढूंढने चल पड़ते हैं नगर में ऐसे इंसान के जिसके गले में क्या है, वो फांसी का फंदा आ जाए। तो उनकी नजर किसके ऊपर पड़ती है, गोवर्धन दास के ऊपर। आपको पता है गोवर्धन दास जो था वो खा खा कर क्या हो गया था, मोटा हो गया था, ठीक है। तो सिपाही क्या करते हैं, गोवर्धन दास को पकड़ के ले जाते हैं। यही पढ़ा ना आपने? अगर दीवार गिरी ही ना होती तो क्या होता, गोवर्धन दास सिपाही पकड़ के लेकर जाते और ना गुरु जी और नारायण दास को उसको बचाने के लिए वापस जो है वो आना पड़ता। मैम अगर दीवार नहीं गिरती तो चोर चोरी कर कर भाग जाता। सभी बच्चे इस लेसन को दोबारा से पढ़ेंगे, कल मैंने पूछना है आपसे, स्टोरी सुनूंगी मैं आपसे पहले, सब कुछ भूल गए आप लोगों ना। स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं, कोई स्क्रीन शेयर नहीं होगी अभी। आपको खुद इमेजिन करके ये चीजें लिखनी है, फिर स्क्रीन क्यों शेयर करेंगे इसमें, लिखो खुद। पढ़ा है आपको, पढ़ाया है स्टोरी। नेक्स्ट स्टूडेंट नव्या। नव्या। यस मैम। यस नव्या, आप बताएंगे। गुरुजी सही समय पर शिष्य गोवर्धन दास की रक्षा करने के लिए नहीं पहुंच पाते तो क्या होता? अगर गुरुजी सही समय पर गोवर्धन दास को नहीं बचाते तो क्या होता? मैम हम मंडी में रहते हैं, मेरी बुक रह गई है उसकी घर में। यस बच्चे, क्या बोल रहे हो आप? हम मंडी में रहते हैं, मेरी बुक रह गई है वहीं पे घर पे। कोई बात नहीं, घर पे है। ओके, कोई बात नहीं, बुक रह गई है ना। आपने स्टोरी तो पढ़ी है, आप मुझे बता दो। और अभी मैं लिखवा भी नहीं हूँ आपको, सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। अगर गुरुजी सही समय पर शिष्य को वर्धन नहीं तो क्या होता? एक्सक्यूज मी मैम,
मैम फोन था खराब ना, इसने अटेंड नहीं किया है ये वाला क्वेश्चन। ओके नव्या, बच्ची आपने ये लेसन रीड करना है ठीक है। मैम बीच में क्लासेस नहीं लगाई है इसने ना, तब करके इसको थोड़ा। ओके कोई बात नहीं नव्या, बट आपने अब लेसन रीड करना ही है ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट रिद्धम चौधरी। रिद्धम। यस मैम। यस बच्चे आप बताइए, गुरुजी अगर सही समय पर नहीं पहुंचते तो गोवर्धन दास का क्या होता? क्या होता गोवर्धन दास को, क्या होने वाली थी? हाँ जी मैम फांसी। मम्मा को पता है बट आपको नहीं पता है ना। नहीं पता है ना आपको, मम्मा सुनते हैं पर आप, आपका ध्यान नहीं है। फांसी होने वाली थी ठीक है गोवर्धन दास को, लेसन रीड किया था आपने ये? यस मैम। तो फिर क्यों नहीं पता है आपको? और जब गोवर्धन दास के गुरुजी और नारायण दास जी से जो था उसका जो दूसरा मित्र था ठीक है, वो जब वो छोड़ के जाते हैं उस जगह को, तो गोवर्धन दास को बोल के जाते हैं कि अगर तुम पर कभी भी कोई मुसीबत आए तो तुम मुझे याद कर लेना ठीक है। और गोवर्धन जब दास जब मुसीबत में फंसता है तो वो अपने गुरु जी को याद करते हैं और गुरु जी वहां पर नारायण दास के साथ उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। गुरुजी ने बचाया था ना गोवर्धन दास को अपनी समझदारी से ठीक है। अगर गुरुजी वहां पर सही समय पर नहीं पहुंचते तो क्या होता, गोवर्धन दास को फांसी हो जानी थी ठीक है। मैम मैं आई गो टू टॉयलेट। बेटा 5 मिनट आपकी क्लास को के लिए ठीक है, वेट करो अभी। नेक्स्ट स्टूडेंट तन्वी रोल नंबर 7। तन्वी रोल नंबर 7। यस मैम। यस बच्चे आप बताएंगे, दरबारी या नागरिक राजा के अन्याय का विरोध करते तो क्या होता? दरबारी या फिर जो वहां के नगर के लोग थे अगर वो राजा का विरोध करते तो क्या होता? ये सभी बच्चे बताओ, अब आपको पता है वो राजा कैसा था? मूर्ख था ठीक है, अगर लोग उसका विरोध करते क्योंकि उसे न्याय करने तो आता ही नहीं था ठीक है, उसे किसी भी चीज में कोई खेद पता नहीं था कि ये अच्छी है या बुरी है ठीक है, उसका क्या मूल्य होना चाहिए ठीक है, तो वो बिल्कुल मूर्ख था। अगर लोग उसका विरोध करते तो क्या होता, राजा को अपनी जो गद्दी थी वो छोड़नी पड़ती सिंहासन। यस बच्चे लग गया बता, अगर दरबार के लोग राजा का विरोध करते तो उसे राजा को अपनी गद्दी जो थी वो छोड़नी पड़नी थी ठीक है। लग गया पता आपको, 6th क्वेश्चन में आपने तो क्या होता, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है सभी बच्चों ने, और सभी बच्चे इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि अगर आपको स्टोरी नहीं पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो सभी बच्चे स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे, कल मैं आपसे ये स्टोरी पूछूंगी सभी बच्चों से,
उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है इसके करेंगे. ओके यस या नो? यस मैम. यस मैम. अभी जो हमें ये क्वेश्चन आंसर किए हैं, कोई ऐसा बच्चा जिसे सुने तो आपने चुप नहीं बैठने. फिर सभी बच्चों के हाथ जो है हैंड रेज होने चाहिए, ठीक है? खड़े होने की मैम मेरी टर्न हो, मुझे आता है. ऐसा नहीं कि बस मैंने हैंड रेज करने के लिए बोला और बस दो तीन बच्चों के हाथ ही खड़े हों, बाकी बच्चे चुप. अभी मैं आपसे पूछ रही थी तो आप बच्चे लेफ्ट कर जा रहे थे हाथ से. सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन आंसर किए क्लास में, ठीक है? ये आपका होमवर्क है. साथ में आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है. कल मैं सबसे पहले आपसे स्टोरी सुनूंगी, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो करवाऊंगी. क्लियर है बात सभी को? वंशिका लग गया पता बच्चे? यस मैम.